हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सलीम लैंगयान और आप देख रहे हैं सैम एजुहब। तो दोस्तों, आप थंबनेल के ऊपर जैसा दिखाई दे रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, तो वो अभी आ चुका है दोस्तों बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो उसके ऊपर क्या कट ऑफ रही, क्या पूरी डिटेल है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो नोटिस आया है मैंने डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है दोस्तों सुनील न्याणा ने, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको दिखा रखा है कॉन्स्टेबल जीडी, CAPF, NIA, SSF और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। यानी कि 2018 का जो एग्ज़ाम था उसका जो कंप्यूटर बेस एग्जाम था, CBT एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अब कैंडिडेट को कॉल किया गया है, बुलाया जाएगा। यानी कि किस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो ये बात कही है अभी SSC ने। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल दिखा रखा है पूरा का पूरा, जो असम राइफल एग्जामिनेशन थे 2018 के अंदर वो 11 फरवरी 2019 से लेके 11 मार्च 2019 के बीच में हुए थे कंप्यूटर बेस मोड के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अभी टोटल जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे इसके अंदर अगर बात की जाए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे आप देख सकते हैं 30,41,284 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं दोस्तों इस एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है सेकंड पॉइंट है, एज पर नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं PET के लिए और PST के लिए, वो लगभग 1:10 के रेशियो के अंदर बुलाए गए हैं। यानी कि जितनी वैकेंसी थी उनके 10 गुना बुलाए गए हैं दोस्तों। अगर एक वैकेंसी थी तो एक वैकेंसी के ऊपर 10 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो ये कुछ ऐसा कहा है दोस्तों, SSC का पैटर्न है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, जो रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग टेंटेटिव आंसर की वर केयरफुली एग्जाम एंड आंसर की वर सूटेबली मॉडिफाई, आपको कहा गया है इसके अंदर, तो आपकी जो आंसर की है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके सूटेबल करके ही आपका फाइनली आपको रिजल्ट की तरफ लेके आए हैं ये। उसके बाद अगर बात की जाए जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे पास हुए हैं, तो फीमेल की अगर बात की जाए सबसे पहले, फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया वैकेंसी की SSF के लिए, तो उसके लिए दिखा रखा है दोस्तों कैटेगरी एक यहाँ पे दोस्तों किस लिए है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, और कैटेगरी नंबर दो कौन सी कैटेगरी के लिए है और 6 किसके लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी नंबर 6 OBC के लिए है, कैटेगरी नंबर 9 तो किसके लिए है, तो इस तरह से मैं सारी डिटेल आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं दोस्तों, यानी कि इस कैटेगरी के लिए आपके 100 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, और मार्क्स कितने हैं दोस्तों, मार्क्स की कट ऑफ रखी गई है 72, ठीक है दोस्तों। पार्ट ए और पार्ट बी एग्जाम की बात की जाए तो कट ऑफ डिटेल ये है दोस्तों, और इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखा रखी है दोस्तों कैंडिडेट की, ये है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट पार्ट के अंदर, लिस्ट सेकंड है जो, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप धीरे धीरे करके पूरी लिस्ट को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी आपको। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल रहेगी दोस्तों, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल रहती है, और हर रोज़ हम वहाँ पर फ्री में PDF नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनके लिए जो बहुत ही बेहतर साबित होने वाले हैं आपके। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें फ्री में चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से आपके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके अलावा यहां पे जो कुछ कैंडिडेट अगर बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट चेक करना चाहें तो आप यहां पे जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभी यहां पे कहा गया मार्क्स ऑफ कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट शॉर्टली, यानी कि जो आपके मार्क्स हैं प्रत्येक कैंडिडेट्स के अगर आपको चेक करने हैं तो वो आपकी कमीशन की वेबसाइट के ऊपर बहुत ही कम समय के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ये नोटिस है दोस्तों 20/6/2019, यानी कि कल रात को आया था दोस्तों ये रिजल्ट। तो इसके अलावा अगर आप देखना चाहो कट ऑफ फीमेल की, जो आपके अगेंस्ट स्टेट या UT के अकॉर्डिंग है, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की अगर बात की जाए तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ है, तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं दोस्तों अंडेमान निकोबार की, जैसे आसाम, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो अलग अलग यहाँ पे आप पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हो यहाँ पे। फीमेल के अलावा यहाँ पे कट ऑफ आ गई दोस्तों, ये फीमेल की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की आ गई है, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर ये कट ऑफ रही है।
तो आप पूरी की पूरी जानकारी पीडीएफ के अंदर प्राप्त कर सकते हो, और जल्द ही आपकी एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको विद मार्क्स आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ताकि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, लगभग आपने देखा होगा तो जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए तो उनके पास ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचा दोस्तों, ताकि उनका आपको मार्क्स आने से पहले ही उनको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।